हेलो बच्चो लॉन्ग टाइम हाउ आर यू एवरीवन कैसे हो सब हा कैसे हो एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल यस विजेबल ये गुड आफ्टरनून मैम मीटिंग यू आफ्टर टू वीक्स जी बिल्कुल 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 तो ये बताओ कैसे हो सब लोग हाउ आर यू हाउ आर यू डूइंग सो वेलकम एवरी वन वेलकम टू दिस चैनल वेलकम टू विधांतू ओलंपियाड स्कूल एंड आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे आईओ क्यू जे एस की प्रिपरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्विज क्वेश्चन राइट बहुत सारे क्वेश्चन है उसके साथ प्रिपरेशन करेंगे राइट right? सो so, कैसे हो सब लोग हाई विनोद हा सही में बहुत टाइम बाद है ना जी बिल केबीपी वाई शिफ्ट अभी तक तो बच्चे कोई आइडिया नहीं है लेट्स मिल जाएंगे और कुछ और कुछ हाई नील हांजी पोस्टपोन होगा हम हाँ, एग्जाम की फाइनल तैयारी कर रहे हैं तुम लोग पोस्टपोन के पीछे पड़े हो कैसे हो सब लोग अरे मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ बच्चे बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा स्पैमिंग भी कर रखी है कि मैम आपने केबीबीवाई के सेशन नहीं लिया आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया तुमको मैं कहीं दिखी पिछले दो हफ्तों में तुमको मैं कहीं दिखी किसी भी चैनल पे कहीं पे भी इवन वे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं थी अरे आई वॉज नॉट वेल हेल्थ कंडीशन की वजह से मुझे काफी टाइम की छुट्टी पर थी मैं सो नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्क सो धीरे 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 तुम्हारे सेशन लूंगी वरना पता लगे इससे भी जाऊं ओके सो टेल मी हाउ आर यू ऑफ कोर्स अक्षांश आई रिमेंबर यू ऑल हाई सोना अच्छा टाटा स्काय पे भी था हाँ टाटा स्काय पे थी टाटा स्काय पे भी थी जी नरेंद्र सीरियसली सो निखिल रिथ्वे एवरी वन वेलकम टू द सेशन ये सोचो पेपर की तैयारी कैसे करनी है ये मत सोचो कि पेपर कैंसल होगा या नहीं राइट right? सो so, करें शुरू आज की क्लास हां जी यात्र शिवानी आप मुझे बताओगे या मैं आपको बताऊंगी बताओ करें शुरू आज की क्लास बचे सक्षम अब तो तुम्हारा एग्जाम बहुत जल्दी है सो so लेक्चर धीरे धीरे होगा देखो माई हेल्थ इज नॉट गुड सो आई कैन नॉट से दैट कि हर रोज मैं तुम्हारे इतने घंटे उतने घंटे सेशन लूंगी नहीं जितना हो पाएगा उतना करूंगी बिकॉज एट द एंड आई हैव हेल्थ इज वेल्थ समझ रहे हो सो so, आज थेरी नहीं आज होंगे क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी डन सो एनी अदर डाउट एनी अदर थिंग जो तुम लोगों को पूछनी है या शुरू करें शुरू करें आज का सेशन एग्जेक्टली exactly. सुनील so, तब तक के लिए हम लोग करेंगे वेट राइट right? की सेशन पोस्ट तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा सो so, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं वेट सो तब तक के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहो रिलैक्स रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो राइट right? और तुम लाइक like. बच्चे आज ज्यादा है लाइक्स कम है सो so, लाइक like करो और चैनल को तुम्हें पता है अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है सो so, तुम्हें उससे क्या करवाना है शेयर लाइक like करो चैनल को शेयर करो सब्सक्राइब करो और यहां देखो ये यह देखो स्टिल यू हैव टेस्ट बच्चे आईओ क्यू जी एस का मेगा टेस्ट है तुम लोग अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो बच्चे इससे क्या करना है फिफ्थ ऑफ जैन मतलब कल कल टाइमिंग है ढाई बजे कितने बजे ढाई बजे क्या करना है तुम लोगों को तुम लोगों को करना है बच्चे एक लिंक दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन तुम लोग रजिस्टर हो जाओ राइट right? कभी भी तुम 24 घंटे में से कभी भी तुम टेस्ट दे सकते हो दोबारा टेस्ट दो और अपनी प्रिपरेशन को चेक करो जल्दी राइट right? अपनी प्रिपरेशन को चेक करो याद है मेरा एक फॉर्मूला कोई भी चीज फ्री में मिले पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारे काम की तुम्हारे सिलेबस की यू पीपल आर नॉट गोइंग टू लीव दैट यू पीपल आर नॉट गोइंग टू लीव दैट राइट चलो ए हे ओके okay. चलिए जी सो लेट्स स्टार्ट विद द एम सी क्यूज अब देखो अगर मैं आप थेरी के सेशंस भी लाऊं क्या हो जाएगा थेरी पढ़ा दूंगी कुछ बच्चों ने वो टॉपिक किए हैं कुछ ने नहीं किए थेरी के बाद अल्टीमेटली तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है क्वेज सो क्वेज़ के थ्रू ही रिवीजन करते हैं सो so, जितना तुम लोगों ने कर लिया है अब उसी पे ध्यान दो और उसको अच्छे से रिवाइज करो सो so, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ यस बच्चों क्विकली 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 आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं सो so जल्दी से चैट बॉक्स को पूरा भर दो तुम लोग डू इट क्विकली कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है भाई एक ऑप्शन ऐसा थोड़ी है कि सारी ऑप्शंस तुम लोग प्रेस कर दोगे ना एक ऑप्शन बताओ ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ यस इट्स ए बच्चे देखो जब मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था जब तुमको एनिमल किंगडम पढ़ाया था क्या समझाया था तुमको ये समझाया था कि तुमने फोकस करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे फोकस करते ही तुम्हारी हर एक चीज़ क्लियर हो जानी है तुम लोगों को एक एक चीज पता लग जाएगी तुमको फाइलम के नाम याद रखने और बेसिस so, एक, एक right, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते इतना डिटेल में और एक वर्ड आ जाता है सीलोमेट उसमें भी वैसे तो फर्दर कैटेगरीज है बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ ए सिलोमेट नो no जिसमें बॉडी कैविटी राइट किसके बीच में बॉडी कैविटी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच की बॉडी कैविटी जो कि मीजोडम से लाइंड वो नहीं है राइट right? सियडोसिलोमेट्स में तुम्हारे कौन है एसकेलमिंस कौन है तुम्हारे एस्केलमिंथ क्वेश्चन है विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ

एक सीडो सीलोमेट याद रखो चाहे ए सीलोमेट याद रखो दैट्स ऑल, राइट? सो बाकी सारे क्या है तुम्हारे सीलोमेट right? देर है हमारे पास आइडेंटिफाई दॉम ईच ग्रुप बेस्ड ऑन सेम क्राइटीरिया एक सेम क्राइटीरिया के बेस पर एर बी में से ऑड वन कौन सा है कौन सा है जल्दी क्राइटेरिया ढूंढो ये जो बोल रहा है ना बच्चा सलमान भाई नहीं भाई जायद सलमान भाई नहीं तुम्हें बचाएंगे अच्छे से फोकस करो बच्चों सेम क्राइटेरिया डू इट क्विकली जल्दी बी ठीक है कोई मुझे क्राइटेरिया बता सकता है कोई मुझे इस चीज का क्राइटेरिया बता सकता है हाँ बच्चे दीपांशी क्राइटेरिया क्या है इसका राख राखी एक्सीलेंट एक्सेलेंट यहां पे हमने क्या देखा बुलशाक आ गया यहाँ पे यस ये जो यहां सब जगह हमने देखा कौन सा क्राइटेरिया एग लिंग और यंग वन लिंग व्हेन इट इज ओवी पेरी जब ये क्या है जब ये है ओवी पेरी मतलब क्या है एग लिंग राइट द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिंग एग्स ओके एंड व्हेन इट इज वीवी पेरी द वन विच आर गिविंग या वीवी पेरस एनिमल्स द वन विच आर गिविंग बर्थ टू द यंग सो यहां पे हमारे पास क्या है बुल शाख सो बुल्स क्या करेगा इन सब में से प्लैटिपस एक और क्वेश्चन लिख लो बच्चे ये जो प्लैटिपस है इट्स अ मैमल यहां पे मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूं प्लैटिपस क्या है मैमल है कौन सा मैमल है एग लेइंग मैमल विच मैमल इट इज इट इज एग लेंग मैमल राइट right. सो so, यहां पे जो बुल शार्क है दैट इज यंग वन लिंग राइट सो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे तुमने यहां से ऑड वन आउट निकाल दिया राइट सो इट विल बी वीवी पेरी हेयर बाकी सब क्या है ओवी पेरस अब यहाँ पे अल्पाइन सेलेमेंडर स्पाइनी एंटीटर कॉमन टॉड क्रोकोडाइल बाकी सब के सब क्या है ओवी पेरस और ये जो तुम्हारा अल्पाइन सेलेमेंडर uh, है ये है वीवी पेरस सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर इज बी समझ में आ गया जल्दी बताओ समझ में आ गया अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी बताओ चलो अगला क्वेश्चन क्या है अ मैमल अडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन इज लाइकली टू हैव वॉट जल्दी क्विक वेरी गुड जल्दी 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 ये तुम्हारी डेजर्ट कंडीशन की अडेप्टेशन है बच्चे ओके चलो अब द ऑर्गेनिजम हु फ्रॉम टू जो लेर इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक जी भाई हमें पता है थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दैट क्या बताया है इसने जल्दी बताओ क्या बताया इसने इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म जिसकी दो जोम लेयर है वो डिप्लो है भाई मेरे स्टूडेंट्स तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं उन्हें पता है डिप्लो का मतलब क्या है डी आई इट मींस टू क्या मतलब है इसका टू सो so, दो दो जोम लेयर कौन से वाली दो लेयर होंगी यहां होंगी एक होगी एक्टो एक, एक होगी एंडो एक्टो बाहर वाली एंडो अंदर वाली ठीक है ट्रिप्लो हो गया तो तीन मीजोडम, राइट सो क्वेश्चन यहां पे क्या है कि जो तीन जर्म लेयर वाले हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राइब मीन थ्री सो so कुछ एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सीलोम इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडम एंड एंडोडर्म सच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डैश विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे और वो किसका एग्जाम्पल है जल्दी 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 क्विकली बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही यहां पे इन्होंने बोला कि समस्टिक ऑर्गेनिज्म बॉडी कैविटी इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म एंड इंडोडर्म अब देखो यूजुअली जब हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं हम लोग कहते हैं कि अंदर वाली साइड क्या है मतलब ये कैविटी पूरे के पूरी ये नहीं कहते बच्चे हम लोग कि कैविटी जो है जो ये स्पेस प्रेजेंट है वो लाइन है तुम्हारा मीजोडर्म से तब हम उसे ट्रू सीलोमेट्स सीलोमेट्स कहते कहते हैं हैं राइट तब हम उसे ट्रू जब आ गए तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एनसीआर खोलो डायग्राम मिल जाएगी मीजोडर्मल पाउचेस है उसमें सो so, अंदर तो ऑब्वियस सी बात है एंडोडर्म आ जाएगा ना सो इसीलिए स्यूडोसिलोमेट एंड द आंसर इज एस्केरिस हियर ओके चलो जल्दी अगला सिर्फ मीजोडम से ट्रू सिलोमेट्स के केस में होता है कि बॉडी कैविटी पूरी पूरी मीजोडर्म से लाइन है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कैरेक्टर्स चाहे कैरेक्टर character, चाहे कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यस बच्चे दिस विल हेल्प यू इन आईओ क्यू बी एस क्यू बी एज वेल आंसर इट क्विकली बच्चे बिल्कुल सही हंड्रेड एंड टेन परसेंट एक्सिलेंट जब तुम बात करते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सो यहाँ पे आ जाती है बच्चे दो चीजें एक आ गया तुम्हारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं एक आ जाता है तुम्हारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम याद है ना ये ना एक हो गया स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक होता है तुम्हारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक में जेनरलाइज बाहर की बॉडी फिजिकल बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर है सेलुलर बैरियर है साइटोकाइन बैरियर है लेकिन जब तुम बात करते हो स्पेसिफिक इम्यूनिटी की स्पेसिफिक है वो एक्वायर्ड है राइट सो वहां पे तुम्हारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी है सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को तुम ह्यूमरल भी कहते हो राइट right? ह्यूमरल भी कहते हो ब्लड में मिलेगा तुम्हें ये ब्लड uh, में एंटीबॉडीज भी होती है और दूसरा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स हैं तुम्हारे बी सेल्स जो क्या बनाते हैं जो एक बनाते हैं प्लाज्मा बी सेल दूसरे बनाता है वो मेमोरी सेल्स सो so, ये प्लाज्मा बी सेल्स फर्दर बनाते हैं बच्चे एंटीबॉडीज जिसने ये पढ़ा है बहुत अच्छी बात है जिसने नहीं पढ़ा है रिवाइज करो और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है इसमें होंगे टी सेल्स सो जब भी और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग तब भी बच्चे इस इस इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या फीचर्स हैं ये एक तो

सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन जल्दी इंडियन जी वेरी गुड बिल्कुल स्मॉल टेक हेल्पर टी सेल है किलर टी सेल है सप्रेसर टी सेल है और मेमोरी टी सेल है यहां आंसर बताओ बच्चे स्टेटमेंट्स पढ़ो जी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोनों की दोनों अ रोबस्ट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड यूजिंग वीकेंड फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरियम नोन एज लाइव एटिनुएटेड वैक्सींस बिल्कुल सही लाइव एटिनुएटेड वैक्सींस हम पो, पोलियो के केस में ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं यही हो रहा है बच्चे क्या होने वाला है वीक सा, बिल्कुल वीक सा सा बिल्कुल फॉर्म होगा बैक्टीरिया का जो एक्चुअली इंफेक्शन ना कर सके लेकिन बॉडी को पता लग जाएगा कि इस तरह का पैथोजन है बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगी या मेमोरी बन जाएगी उस पार्ट की दैट्स वाई राइट सो एडमिनिस्ट्रेशन

एंटीबॉडीज के बारे में लिखा मैं तुम्हें ना एक सीक्वेंस बताती हूँ इट्स नॉट गेम्ड इट्स गैमडी क्या है ये ये गैमडी है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी की उससे कम कॉन्सेंट्रेशन है ए की फिर एम फिर डी फिर ई इट्स गैम सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है बॉडी में इम्यूनोग्लोबिलिन जी फिर ए फिर एम फिर डी फिर e. और ये जो ये जी है राइट ये तो मैं पता है प्लासेंटा से भी ट्रांसफर हो जाता है राइट प्लासेंटा से भी ट्रांसफर हो जाता है राइट और ए तुम्हारा सिक्रीशन में प्रेजेंट है मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम में टीयर में सलाइवा में ये ए प्रेजेंट है ओके बाकी एम जब भी वन मिनट बच्चे एक मिनट रुको जस्ट गिव अ मिनट प्लीज

और ये आई जी ए है ये डायमर है ये कुछ एक क्वेश्चन है जो तुम्हें बार बार रिवाइज करने चाहिए राइट right? और ये जो तुम्हारा ये पेंटामर पेंटावेलेंट पेंटामर बाकी पेंटावेलेंट भी बोल सकते हो यस। डायवेलेंट और पेंटावेलेंट इट विल वर्क सो ये जो डी है ये फर्दर प्लाज्मा सेल की डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है ई आई जी ई सो हेयर इट इज एलर्जी वट इज इट इट इज एलर्जी सो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सो ये भी हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट रिवाइज कर लिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है सो गो फॉर इट क्विकली जल्दी 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 गो फॉर इट जल्दी बिल्कुल से ही दे बाइंग टू द सर्फेस ऑफ एंटीबॉडीज क्या करती हैं ये पैथोजन के सरफेस से जुड़ जाती हैं ताकि उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सके और हम रिमूव कर सकें ओके वेरी गुड चलो अब अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द वैक्सीन्स कौन सी चीज वैक्सीन्स को लेके ट्रू नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वैक्सीन्स बच्चे वैक्सीन डेड माइक्रोबियल सेल्स और देर पार्ट सच है जैसे चाहे तुम लाइव एटीनोटेड वैक्सीन की बात करते हो चाहे तुम उसका उस पर्टिकुलर पैथोजन का कोई भी पार्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो वैक्सीन में होता है राइट right? सो so, तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है विच इज नॉट ट्रू अब यहाँ देखो वैक्सीन कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स जैसा मैंने तुम्हें कहा चाहे वो प्रॉपर बैक्टीरिया या वो पैथोजन चाहे उसका कोई पार्ट उसका चाहे कोई प्रोटीन सब कुछ है राइट वैक्सीन कंटेन इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल बट यहां लिखा है कि वैक्सीन में एंटीबायोटिक्स हैं ऐसा नहीं है वैक्सीन का पर्पस है हमारी बॉडी से वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाना राइट right. हमारी बॉडी से वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जाएगा ओके okay? यस yes, बच्चे कार्तिक और एक और चीज मुझे तुम लोग बताओ तुम लोगों ने एक वर्ड सुना है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी सुना है तुमने एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बताना जरा किस किस बच्चे ने यह सब सुना है कि वॉट इज एक्टिव इम्यूनिटी और वॉट इज पैसिव इम्यूनिटी सुना है सो अच्छा मुझे ये बताओ मदर के प्लासेंटा से मदर के प्लासेंटा से एंटीबॉडी आई एक बच्चे को एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव मदर के प्लासेंटा से एंटीबॉडी आई एक्टिव है या पैसिव है जल्दी जी बच्चे स्टडी जी हमने ऑलरेडी एक एमसीक्यू क्यू कंडक्ट कर लिया एक मैराथन कंडक्ट की है जिसमें एमसीक्यूज क्यूज भी थे उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया वो वीडियो चेक कर सकते हैं बच्चे राइट इट इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव देखो एक्टिव ए एक्टिव है कोई एनर्जेटिक है कोई इसको इस तरह से समझो जैसे मैं हमेशा ऐसे रिलेट करती हूँ तुम तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो ए फॉर एक्टिव ए फॉर एटीपी राइट कोई एक्टिव है कोई एनर्जेटिक है कोई एक्टिव है कोई एनर्जेटिक है अब यहां से तुमको क्या समझना है बच्चे देखो मदर के प्लासेंटा के थ्रू उस फीटस को उस बेबी को राइट right? क्या मिली एंटीबॉडीज मिली क्या बेबी ने वो खुद बनाई क्या बेबी ने वो खुद बनाई नहीं उसको रेडीमेड मिली सो so, जब भी तुम बात करते हो ऐसी इम्यूनिटी की जो रेडीमेड हो वो पैसिव है और सो so, ये नो डाउट नेचुरल है बाय बर्थ है इसीलिए तुम इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कह देते हो इट इज नॉट द एक्टिव इम्यूनिटी माँ बच्चे को फीड कर रही है मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज जा रही है पैसिव इम्यूनिटी इट इज नॉट एक्टिव इट नॉट एट एक्टिव वैक्सीन वैक्सीन मिली वाक्सीन में वो पर्टिकुलर पैथोजन था चाहे लाइव एटीनोवेटेड फॉर्म में था चाहे उसका कोई प्रोटीन था तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई तुम्हारी बॉडीज ने एंटीबॉडीज बनाई तो वो क्या हो गया वो हो गया एक्टिव राइट वो हो गया एक्टिव So, जब बॉडी खुद से मेहनत करे खुद से कोई काम करे वो एक्टिव इम्यूनिटी देगा और जब कोई रेडीमेड चीज मिले वो पैसिव अब किसी को सांप ने काट लिया तो हम लोग उसको इंजेक्शन देते हैं एंटीडोट देते हैं सो so, वो एंटीडोट क्या है उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलेंगे अब वेट तो नहीं कर सकते कि बॉडी खुद बनाए नहीं तब तक तो इंसान खत्म क्योंकि ये टाइम लेता है एक्टिव इम्यूनिटी टाइम लेती है शाम बच्चे इसके लिए धीरे धीरे स्लोली 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 बॉडी खुद बनाएगी फिर लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है बनती टाइम लेके है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है ये मिलेगी इमीडिएटली लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म सो तो इसमें तुम्हारे मेमोरी सेल्स भी इन्वॉल्व है सो तो ये तुमको सीखना है राइट बच्चे दिनेश शाबाश सो तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो कि इम्यूनिटी इज द स्टेट of protection against foreign agents it can be conferred either actively by activating a person's immune system or passively without activating its immune system so following are different examples of how immunity can be attained so read these four points and please let us know and uh, let us know which examples are of passive immunity येस बच्चे कृष्णाबीपीरेंट एज वेल डोट वरी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दो एंटीबॉडी मदर से चाइल्ड को गई किसका एग्जाम्पल है ये तो मैंने अभी बताया तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमेन बिटन बाय वेनिमस स्नेक विद एंटी वेन सीरम फ्रॉम शीप और वो भी एक्टिव इम्यूनिटी बनाएगा सो ऑफकोर्स द आंसर इज ए दट इज 1 एंड 2 सो तुम्हें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो प्रैक्टिस कर लो uh, सॉल्व कर लोगे गलत नहीं होने चाहिए नहीं हुए चलो अगला क्वेश्चन एन ऑर्गैनिज्मी सेवन pairs of homologous क्रोमोजोम in each daughter cell after completion of mitosis and in each gamete after completion of meiosis मीओसिस राइट डैश एंड डैश वुड बी प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली जहां पे भी बच्चे वर्ड आ जाते हैं है? right? है? so, तुमको पहले ब्लैंक में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटॉसिस फिर दूसरे ब्लैंक में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिओसिस बताना है तो हमेशा इस वर्ड का ध्यान रखना सो so, तुम्हें पता है अगर ट्वेंटी

54 क्रोमोसोम क्रोमोजोम है सो आफ्टर माइटोसिस दो डॉटर सेल्स बनेंगे सो फिफ्टी फोर यहां फिफ्टी फोर यहां और अगर मियोसिस होगा सो so कोर्स तुमको इसको हाफ करना है सत्ताइस यहां सत्ताईस यहां और मियोसिस टू होगा गैमीट्स बनेंगे तब भी यही दिस इज इन द केस ऑफ मियोसिस रिडक्शनल डिविजन ये है माइट्रोसिस का केस विच इज इक्वेशनल डिवीजन राइट ये क्या है ये इक्वेशनल है तो सबसे पहले 54, दूसरी बात 27, सबको समझ में आ गया जल्दी बताओ नहीं बच्चे शाम कोई डेट पोस्टपोन नहीं होगी और ऐसा सोचना ही नहीं है कि डेट पोस्टपोन हो जाए अब पढ़ाई पे ध्यान देना है युक्ता वो तो खत्म हो गई अच्छा उसके लिए अच्छा ठीक है युक्ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे लिंक है गो फॉर दैट समझ आ गया किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट पक्की बात चलो ठीक है फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दो अब इस सेल में सिक्सटी पेयर है क्रोमोजोम के सो आफ्टर माइटोसिस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे डॉटर सेल्स में total number of chromosome in each daughter cell total number of chromosome in each daughter cell mitosis hai shabash 120 120 very good so a stain was developed by a group of scientists to stain a particular cell organelle. the stain was tested on various tissue derived from an autopsy sample from a mammal so organelle. वर काउंटेड द रिजल्ट शोड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनल इन द सेल्स ऑफ ब्रेन सबसे कम हार्ट में मुझे लगता है तुमने सारे के सारे पी क्यूज़ ना रटे हुए हैं है ना बच्चों है ना जी द करेक्ट आंसर विल बी निजल बॉडीज कोई बताएगा ये क्या है Can you tell me what's that? अरे बच्चे केवीवीवाई का भी मॉक टेस्ट हो जाएगा स्पैम करने से थोड़ी मॉक टेस्ट होते हैं स्पैम करने से तो मैं बोलूंगी ठीक है स्पैम ही कर लो मैंने नहीं करना है ना तो जैसे तुम लोग अच्छा ठीक है बच्चे एस्ट्रोफिजिक्स अभी के लिए उसको मत देखो चलो चेक कर लेंगे हम लोग कि कब होगा एग्जाम कब नहीं लेकिन आज के लिए तो प्रिपरेशन करें अभी यहाँ पे फोकस करो बताना जरा ये क्या है निजल बॉडीज क्या है कोई ये बताओ बिल्कुल सही है निजल बॉडीज है जो तुम्हें कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा मिल रही है ब्रेन के सेल्स में सबसे कम है हार्ट में मेच्योर स्पॉर्म में सबसे कम है एबसेंट रिथ्रोसाइट में है बताओ कोई भी निजल बॉडीज क्या है आर यू श्योर दैट द न्यूरॉन्स क्या निजल ग्रैन्यूल और निजल बॉडी सेम नहीं है निजल ग्रैन्यूल्स और निजल बॉडी सेम नहीं है एक ऋत्विक बच्चे ने कुछ लिखा है बताना जरा ऋत्विक सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है जल्दी 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 अरे मेरा बच्चा निजल बॉडीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपली तुम लोग कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेट

this is from ncert this line is also from ncert इसको ध्यान से देखो इस न्यूरॉन को ये जो तुम्हारे निजल ग्रैन्यूल्स हैं ये तुम्हारे साइटोन में सेल बॉडी में डेंड्राइट्स में मिल जाएंगे लेकिन तुम्हारे एक्सॉन में एब्सेंट हैं इस बात का भी ख्याल रखना एक्सॉन में ये एब्सेंट है तुम्हारे सेल बॉडी में साइटोन में जिसको तुम सोमा भी कहते हो पेरीकेरियोन भी कहते हो उसमें है ठीक है ये फिजियो का क्वेश्चन है डन चले आगे वेरी गुड चलो जी अगला क्वेश्चन हेल्थ इज ऑल अबाउट ईटिंग एंड फास्टिंग बैलेंस वेन यू फास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड योर सेल्स क्लीन आउट एंड रिसाइकल द इंट्रा सेलुलर गार बेज सो दर्गेनल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर जल्दी से बता दो बहुत बेसिक क्वेश्चन है एग्जैक्टली जल्दी से क्विक बिल्कुल सही द करेक्ट आंसर है, इसको तुम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हो इस ऑर्गेनल को राइट सिंगल मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है सुसाइडल बैग भी कहते हो इसको तुम रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हो और अगर याद है तो बहुत बढ़िया नहीं याद है तो ध्यान से सुनो इसमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम है जो जब एक्टिवेट होती है तो बस पूरे सेल को इवन ऑर्गेनल्स को सबको डिस्ट्रॉय कर देगी लाइजोजोम प्लस यही ऑर्गेनल तुम्हारी पॉलीमोर्फिजम भी दिखाती है क्या दिखाती है पॉलीमोर्फिजम अलग अलग फॉर्म्स है इसकी प्राइमरी फॉर्म है सेकेंडरी फॉर्म है टर्शरी फॉर्म है रेजिडुअल फॉर्म है दान बच्चे सो so, ये यस हाइड्रोलिटिक एंजाइम है हाइड्रोलिसिस करेगी तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट है लाइपेजेस है सब कुछ है इसके पास ओके okay? सो so, इसके पास लाइजोजोम और कौन सी ऑर्गेनल है ये पॉलीमोफिज्म भी दिखाती है प्राइमरी लाइजोजोम जो कि इनएक्टिव है जिसमें इंजाइम्स पड़ी हुई है सेकेंडरी जो एक्टिव हो जाएगा फूड वेक्यूल उसके साथ फ्यूज हो गया हेट्रोफेगोजोम जिसको तुम बोलते हो फिर तुम्हारा टर्शरी भी आ गया तुम्हारी residual bodies आ गई, right? so ये लिख लो जल्दी पुलिस ऑफ सेल बेसिकली तुम्हें पता है, है ये ग्लाइकोसाइलेशन करेगा ग्लाइकोसाइलेशन करेगा लिपिड और प्रोटीन में एडिशन uh, uh, करता है ग्लूकोज पार्ट की कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है सो पार्ट ऑफ सेल स्केलेटन सो एनी डाउट बच्चे सॉर्टिंग कर देगा ना चीजों की नरेंद्र कि यहां से वहां जाना है तूने वहां जाना है इस चीज को वहां भेजा ये किया इट्स लाइक दैट ओके विक्रम नहीं बच्चे विक्रम माई हेल्थ वॉज नॉट गुड सो तुम मुझे बताओ ऐसे मैं बेचारी हॉस्पिटल में पढ़ी हूँ मैं कैसे सेशन लेती जो तुम्हारा लास्ट के वी वाई का भी बच्चे मैंने सेशन लिया है उस दिन इवन आई वॉज नॉट वेल बट स्टिल क्योंकि तुम्हारा एग्जाम था इसीलिए मैंने वो सेशन कंडक्ट किया अदरवाइज उस दिन भी मेरा हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा था लास्ट के वी पी वाई के सेशन के लिए ओके okay. So, कोई बात नहीं मैराथन सेशन एक और आएगा तुम्हारे पास इसी वीक के लिए सो so, अब ये बताओ इन ह्यूमन सेल विच इज अंडर गोइंग टोटल नंबर ऑफ सेलुलर डीएनए आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज जल्दी 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 अरे विक्रम सब हो जाएगा टेंशन ले बच्चे क्विक कोई मुझे इसका लॉजिक बताएगा Yes, it's 92. Human cell is undergoing meiosis. अब तुम्हें पता लग गया है meiosis क्या है यह है क्रोमोजोम नंबर टू हा राइट पहली बात दूसरी चीज क्या है प्रोफेज वन अभी ये प्रोफेज वन में है सो so, तुमने सुना होगा पता ही होगा ये जी Uh, हम लोग पहले एक सेल साइकिल पढ़ते हैं एक इंटरफेस आता है एक आता है एम फेस सो इस इंटरफेस को हम रेस्टिंग स्टेट भी कहते हैं इनविजिबल फेस भी कहते हैं एनर्जी फेस भी कहते हैं राइट सो इंटरफेस में हमारे पास आगे एक तो जी1 या ग्रोथ वन फेस या गैप वन फेस दूसरा आ जाता है एस फेस जिसको तुम सिंथेसिस फेस भी कहते हो फिर आ गया जी2 फेस राइट नो डाउट एक जी नॉट भी है जो कि तुम्हारा

राइट right. अगर डिवीज़न से पहले 100 थे इंटरफेज में एस फेज में हो जाएंगे 200 राइट सो जी टू सी से बन गया फोर सी किसकी बात हो रही है निशा डीएनए की लेकिन एक और चीज लिख लो बच्चे जिस जिसने एनसीआरटी पढ़ी होगी ना उसने मार्क की होगी कि डीएनए तो डबल होगा बट क्रोमोजोम नंबर विल रिमेन सेम है ना क्रोमोजोम नंबर विल एस फेज so, के बाद भी बीस रहेंगे डी एन ए डबल हो जाएगा सो so, उसके बाद जी टू या ग्रोथ टू या गैप टू फेज फिर आ गया तुम्हारा एम फेस जिसमें सबसे पहले होगी केरियोकाइनसिस दैट इज न्यूक्लियर डिविजन

उट किसी कोई डाउट यहां पर डन बिल्कुल बच्चे अवनीश चालो जी अगला क्वेश्चन सेल वॉज फाउंड टू लैक रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर किसी के पास किसी सेल के पास आर आर नहीं है रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है वॉट इज गोइंग टू हैपन बच्चे स्पीड अप क्या सिंथेसिस ऑफ सिक्रिटरी प्रोटीन रुकेगी बिल्कुल आर आर का क्या काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भाई क्यों है रफ क्योंकि इस आर ई आर में राइट right, इसके पास कुछ एक प्रोटीन है राइवोपोरिन आर देर जिसकी वजह से इसके सरफेस पे राइवोजोम जुड़ा है और तुम्हें पता है कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना सो ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है सो so अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं secretory protein नहीं प्रोटीन बनेंगे राइट right? और अगर तुम कहोगे मैम ट्रांसलेशन क्यों नहीं रुकी क्योंकि वो तो अलग से राइबोसोम के साथ होनी है सेपरेटली राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसलिए समझ आया और एक और चीज फॉर योर रिवीजन किसी को याद है एंडोमैम्ब्रीन सिस्टम डू यू रिमेंबर एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन सी ऑर्गेनल है एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी मैम कौन कौन सी ऑर्गेनल है इट कैन बी आस्ड एज क्वेश्चन ठीक है गर्ल और मतलब तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युल है गोल्जी अपरेटस आ गया Lysozome आ गया इवन वेक्यूल आ गए इज इंट इट यही है है ना सो so, तुम्हें पता है ये सारे के सारे इकट्ठे इनका काम कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेटेड वे में है दैट्स वाई इट इज कमिंग अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस तुम्हें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा राइट right, कुछ एक प्रोटीन बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टीरोइडल हॉर्मोन लिपिड्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल बनता है गोल्जी एपरेटस में उसकी मॉडिफिकेशन होती है ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन होती है राइट right, इस तरह से चीजें चलती हैं वेसिकल्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली रिलेट करो सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं बनेंगे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसका काम डेडिकेटली किसमें आ गया है प्रोटीन सिंथेसिस में राइट right? यहां पे ये पॉइंट है बच्चों चलो वेरियस इनग्रीडियंट आर मिक्स टूगेदर विद्लॉ सो एट वन इंस्टेंस द डो वॉज फर्मेंटेड बट फेल टू राइज सफिशियंटली ऊपर नहीं ओहो मैंने आंसर बता दिया माई बैड चलो डिस्कस करते हैं so, अब अपने आप देखो हाँ ये जो ये जो डो फूलता है स्वेल अप होता है है रेजिंग होती क्यों तुम्हारी CO2 की वजह से जो कि तुम्हारी एनायरबिक रेस्पिरेशन में होगी है ना एनायरबिक रेस्पिरेशन माने फर्मेंटेशन है ना दीपांशी एनायरबिक रेस्पिरेशन माने फर्मेंटेशन जब बेचारी ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो क्या होगा फर्मेंटेशन होगी हमारे सेल्स में मसल सेल्स में तो लैक्टिक एसिड जो बनता है जैसे आज दीपांशी ने सोचा कि अब बहुत हो गया अब परांठे छोड़ दूं मैं परांठे छोड़ दूं आज मैं दौड़ने जाऊंगी आज डिसाइड किया बेचारी भागने चली गई एक दो किलोमीटर दौड़ भी ली चलो दौड़ तो गई पर शाम को आके टांगे ना चले बाजुओ में भी दर्द हो बेचारी के रास्ते में ऐसे ऐसे भी कर रही थी सो so, क्यों क्या हुआ मसल टोन नहीं बनी थी रोज उस एक्टिविटी की आदत नहीं है राइट right? जी बच्चे वो बना सकते हैं मेरी बात सुन लो मसल ऑब्वियसली वो होंगे क्योंकि आज तो भाग ली रोज रोज तो भाग नहीं सकती तो क्या होगा क्या होने वाला है सो so, मसल्स में वो जो पेन है क्यों क्योंकि आदत नहीं है इतना ज्यादा काम करने की बॉडी को मसल्स को आदत नहीं है सो so क्विकली उन्हें एनर्जी चाहिए सो so उस टाइम पे ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है उन्होंने अपनी एनर्जी के लिए क्या किया लैक्टिक एसिड बना लिया जो जो ग्लाइकोलिसिस से फाइडोबेट था उससे लैक्टिक एसिड बना लिया जो मसल फिटीक भी करता है एक तो ये फर्मेंटेशन है दूसरा क्या है तुम्हारे पास दूसरा है तुम्हारे पास एल्कोहल का बनना राइट और उसके साथ साथ सीओ का निकलना जैसे जो बेकिंग इंडस्ट्री ब्रूइंग इंडस्ट्री में यही तो यूज हो रहा है सो so, यहां देखो बच्चे क्या हुआ अब इन तीन चीजों की वजह से क्योंकि सॉल्ट मिक्स कर दिया था फर्मेंटेशन से पहले शुगर भी एडेड थी एक्सेस में ईस्ट ग्रेम्यूल्स वर नॉट एक्टिवेटेड प्रायर टू मिक्सिंग विद्लॉर सो क्या हुआ जो बेकिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हुआ ओके सो दिस इज द पॉइंट हियर बिल्कुल हाँ जी

जितनी हो सके उतनी प्रिपरेशन करो वेरी गुड एवरी वन शुड बी द करेक्ट आंसर ब्रिंजल क्यों बनाया था इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके जीन्स को मैन्यूपलेट किया गया है कोई बी और डी कह रहा है कोई सिर्फ बी कह रहा है कोई ए भी कह रहा है बच्चे ये है इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ओके दिस इज फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंस कोई बच्चा मुझे एक और चीज बता सकता है कोई बीटी कॉटन के बारे में बता सकता है एनी वन वर्ल्ड में सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड यस क्रॉप यही था इंडिया में आई थिंक यस इट्स ब्रिंजल बीटी वेरी गुड दिनेश इट्स बी बी बेस्ट विच इज अ बैक्टीरिया रोड शेप्ड बैक्टीरिया जेनेसिस राइट बेसिलस जेनेसिस, सो ये एक बैक्टीरिया है और ये कुछ एक प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है राइट right? वो बेसिकली प्रोटोटॉक्सिन इन एक्टिव फॉर्म है क्रिस्टल्स की सो so, ये किसी तरह के इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं राइट right? सो so, इसी चीज को यूज करके इसी बैक्टीरिया से वो जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके जो इन टॉक्सिन्स को बना सकते हैं उनको बायोटेक की मदद से अलग अलग प्लांट्स में इंसर्ट किया गया और उन्हें इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया सो so, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ज्ञान ओके व्हाट इज इट इट इज द एक्स्ट्रा ज्ञान फॉर यू चलिए so instead of using chemical fertilizers in the paddy field फार्मर nitrogen ऑफ techniques नाइट्रोजन फिक्सेशन following, which विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस और जो जो बच्चा इसका आंसर डी लिख रहा है प्लीज लेट मी नो द रीजन फॉर द सेम फील्ड की बात हो रही है बड़ा कॉमन है ये वेरी गुड सही आंसर कैन यू टेल मी द रीजन फॉर द सेम कोई रीजन बताएगा हां जी अजोला और एनाबीना क्यों अजोला और एनाबीना क्यों बिल्कुल दिया दिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेंगे ये ओके okay. नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेंगे चलिए नेक्स्ट

हम लोग तुमसे एमसी क्यू प्रैक्टिस करवाएंगे सो so डोंट यू वरी बच्चे फ्रूट जूस एंड सेक्रोमाइसिस और ब्रूइंग में यूज होती है सेक्रोमाइसिस सर बीस ये साथ में दे दिया फ्रूट जूस इसी से तो बनते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना क्योंकि ये क्या करने वाला है फर्मेंटेशन अल्कोहल बनेगी इथेनोल राइट right? चलो तुम्हें एक और चीज बताती हूं ये जो ये ईस्ट है राइट ये जो ये ईस्ट है तुमको पता है जैसे ये नो डाउट फर्मेंटेशन करेगी अल्कोहल बनाएगी पर बच्चे ईस्ट प्वाइजन इट टू डेथ व्हेन द अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन इज

So, अगला क्वेश्चन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड देर है विच इज लाइकली टू कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किसने करवाई इट्स ए इट्स ग्रीन रेवल्यूशन क्या है ये ये ग्रीन रेवल्यूशन था राइट right? चलिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए जल्दी बच्चे कुछ जगह पे ये व्हाइट रेवोल्यूशन है कुछ जगह पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन है मोस्टली इट इज ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग भी इससे हुआ था क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया सो so, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ए और बी कहीं ए है कहीं बी है बट इट इज मेनली इट इज ए ग्रीन बट स्टिल आई रीचेक इट बिल्कुल सही यहां पे आ जाएगा करेक्ट आंसर डी एटीपी क्या है तुम्हारा ट्राई ट्रायफॉस्फिट वॉट इज एटीपी टीपी ट्राई ट्राय अगर किसी ने मेरा वो जेनेटिक्स का सेशन लगाया है सो उसको पता होगा कि एडिनोसिन क्या है राइट right? एडिनोसिन क्या है इट्स न्यूक्लियोसाइड मैंने तुम्हें मोलिकुलर बेसिस में पूरा समझाया था इट्स अ न्यूक्लियोसाइड इट्स नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर को साथ में जोड़ो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तुमको एडीनो मतलब तुमको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा याद है मेरी ट्रिक एन नाइट्रोजनस बेस एस शुगर दोनों को जोड़ दिया कैसे जोड़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ा राइट सो एडेनिन को जब हम राइबोज़ शुगर के साथ जोड़ते हैं व्हाट विल यू गेट यू गेट एडीनो न्यूक्लियोसाइड और जब तीन फॉस्फेट ऐड हो गए तो वो बन गया एटीपी हमारी एनर्जी क्रंसी. सो यस ये डेरिवेटिव है नाइट्रोजनस बेसिस का जो डीएनए बनाता है बिल्कुल ये स्प्लिट होता है एडीपी और फॉस्फेट में हांजी क्योंकि इसके पास तीन फॉस्फेट है so, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किया एनर्जी रिलीज की राइट right? सो so, ये एडीपी बचेगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट इट इज यस इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ एरो अब ये देखो प्लांट फिजियो के लिए जो बच्चे बोलते हैं तुम्हें याद है ग्लाइकोलिस किसी को याद है ग्लाइकोलिसिस वॉट इज ग्लाइकॉलिस क्या है बच्चे Lysis है ग्लाइकॉलिस क्या है ग्लूकोज का डाउन बच्चे ये प्रोसेस होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में किसमें होता है साइटोप्लाज्म में और ये होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती इट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती सो so, इसमें क्या होगा एक ग्लूकोज से दो पायरुबेट बनते हैं कितने दो अब उस प्रोसेस में भी टू ए फॉर्मेशन है तो हम कह सकते हैं कि एनारोबिकली भी ये बनता है लेकिन पॉइंट क्या है एरोबिकली ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होती है aerobic respiration में एज कंपेयर टू एनोबिक रेस्पिरेशन राइट ठीक है जी चलो so, yes, बच्चे glycolysis में बनती है लेकिन बहुत कम बहुत कम एनएडीएच भी बनता है बच्चे यस करेक्ट आंसर इज विट्रो विप्लीकेशन ऑफ एन न्यूक्लिक एसिड सी पीसीआर व्हाट इज इट इट इज पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन क्या है बच्चे ये ये है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका क्या काम है एम्प्लीफिकेशन किसका एम्प्लीफिकेशन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन राइट सो so, एक अगर तुम्हारे पास डीएनए है तो वहां से उसकी मल्टीपल कॉपीज तुम बना सकते हो पीसीआर से सो so, ये एक्सटर्नल है एक टेक्निक है इसीलिए यहाँ पे वर्ड आएगा इन विट्रो इन विट्रो मतलब लैब में एक्सटर्नली नेचुरली नहीं इन विवो मतलब नेचुरल कंडीशन में मान लो बॉडी के अंदर सो so, ये ऑप्शन तो तुम डायरेक्ट कैंसिल कर दो सो so, इसमें क्या होगा न्यूक्लिक एसिड की मल्टीप्लिकेशन होगी जैसे बॉडी में होती है और मल्टीपल कॉपीज बनती हैं किसकी तुम्हारे मल्टीपल कॉपीज बनती है तुम्हारे डीएनए की राइट पीसीआर सी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक और इसके साथ टॉपिक करवा देती हूं पीसीआर में कौन सी डीएनए पॉलीमेरेज यूज होती है टाक पॉलीमेरेज लिख लो सबके सब, के सब. कौन सी पॉलीमरेज यूज होती है टैक पॉलीमरेज क्योंकि वो पॉलीमरेज बहुत हाई टेंपरेचर को विदस्टैंड कर सकती है ओके राइट सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा टैक टी थर्मस एक्यू मतलब एक्वाटिकस सो so, ये एक आर्कीबैक्टीरिया है जो हाई टेंपरेचर को विदस्टैंड कर सकता है थर्मस एक्वाटिकस टैग पॉलीमरेज डन बच्चे चले आगे यस yes, यश yes. सारे बच्चे बताओ आगे चले किसी को यहां पे कोई डाउट सो जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीड बेरिंग प्लांट्स बिकॉज दे लैक व्हाट डू दे लैक मेल गेमीट और दे लैक ऑफ यूल ऑर दे लैक ओवरी या सीड्स जिम्नोस्पॉम्स आर कॉल्ड नेकेड सीड बेरिंग प्लांट्स अच्छा सीरियसली बिकॉज दे लैक सीड इज इट सो क्या यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है ना क्या यहाँ पे सीड आंसर होना चाहिए जल्दी बताओ सोचो जरा बच्चे जिम्नोस्पर्म्स की जब तुम बात करते हो ये नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं इनके पास फ्लावर नहीं बनता इनके सीड्स नेकेड है सीड्स तो होते ही हैं ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए राइट यस दे डोंट हैव ओवरी राइट इट द आंसर हियर शुड बी सी यहां पे गलती से डी मार्क्ड है इट शुड बी सी ओके क्या होना चाहिए आंसर आंसर होगा सी उनके पास फ्लार नहीं बन सकता तो उनके पास ऐसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर ओवरी है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्शन मिली है नहीं इनका सीड नेकेड होगा सो हेयर इट शुड बी सी चलो अगला क्वेश्चन गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स यू हैव हाँ टू तो टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी नीतू बच्चे डोंट वरी चैनल सब्सक्राइब करो लाइक like करो तुम्हें सारी अपडेट मिल जाएगी केवी का एक सेशन तुम्हारा डेफिनेटली होगा वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर करेक्टर द न्यूक्ड कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल इन प्रो कैरियॉर्ट्स एंड स्टेटमेंट प्रो कैरियोटिकलिसलुलर वाइल यूरियॉटिक आर मल्टीसेलुलर नो डाउट बच्चे मोस्टली यू कैरियो या यू कैन सी दैट कि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्मी सेलर देव यूरियोटिक सेल पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रो कैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है और यू कैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऐसा नहीं है मतलब ये सिंगल सेल की बात हो रही है एक सिंगल सेल की बट यहाँ अगर तुम डाइवर्सिटी को इंक्लूड करो तो तुमने किंगडम्स पढ़ी हैं तुमने पढ़ा है किंगडम मोनिरा तुमने पढ़ा है किंगडम प्रोटेस्टा, तुम लोगों ने पढ़ा है किंगडम फंजाई और हमने क्या पढ़ा है किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया आर एच वेटकर है ना इन्होंने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी सो मोनेरा में क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स प्रोटेस्टा में क्या है बच्चे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलड है जैसे अमीबा जैसे युगलीना राइट right? जैसे पैरामीशियम फंजाई मल्टी सेलूलर है प्लांटी मल्टी सेलूलर है एनिमेलिया मल्टी सेलूलर है जिसके सारे मेंबर्स प्रो कैरियोटिक्स प्रो कैरियो है प्रिमिटिव है बैक्टीरिया आ जाता है इसमें तुम्हारा ओके okay? सो so प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर यू कैरियॉर्ट बाकी फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया फ्यू एक्सेप्शन राइट

फ्लेजिला और सीलिया में नाइन प्लस टू अरेंजमेंट है सेंट्रियोल में नाइन प्लस ओ अरेंजमेंट है याद है किसी को किसी भी बच्चे को याद है सो so यहां से वो पॉइंट आया चलो नेक्स्ट साइंटिस्ट ऑब्जर्व फ्यू सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप विद फॉलोइंग कैरेक्टर बताओ जरा जल्दी आरएनए क्या होता है इट इज राइवो न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सही सेल डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन ठीक है मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला ठीक है आरकीएल यहां पे हिंट था कि आरकीएल लिपिड्स राइट right, यहां पे हिंट था पेप्टाइडोग्लाइकन वर नोटेड इन द सेल वॉल राइट यहां पे दूसरा हिंट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू द सेल बिलोंग टू आर बैक्टीरिया चलिए अगला Which amongst the following shows the characters of both? Very easy. G. Koi baat nahi bhavya. Abde Which amongst the following shows the characters of both plants and animals? Excellent. Euglena. Which is a unicellular. विच इज द यूनिसेलर यू कैरियड राइट बच्चे सो अ इट इज ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग और क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्पिडल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इसके पास बेसिकली दो फ्लेजुलवलप नहीं है एक लॉन्ग है राइट right, बच्चे इसके पास तुम्हे पता है

एनिमल्स की तरह इसका न्यूट्रिशन हो जाएगा क्या है इसके पास पायरेनोइड या पैरामाइलम बॉडीज चेक करो इसे इंपॉर्टेंट है ये भी राइट right? सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया युगलीना चलो सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वायरसेस जल्दी बताओ और कोई बच्चा अपना स्कोर बताएगा किस किस के कितने कितने मार्क्स हैं हाँ जी आदित्य कितने आंसर्स गलत हुए कितने सही हुए कोई बताएगा किसी ने कैलकुलेट किया हो जल्दी जी करेक्ट आंसर हेयर इज बी वायरसेस विल नॉट इनफेक्ट बैक्टीरिया फंजाई एंड एल्गी ऐसा कुछ नहीं है वायरसेस किसी को नहीं छोड़ते राइट सो बैक्टीरिया के केस में तो तुम्हें और कुछ याद रहे ना रहे बैक्टीरियो फेज को याद करो ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को नहीं छोड़ता एक डबल स्ट्रांडेड डीएनए वायरस है ये बैक्टीरियो फेज राइट सो बाकी सब सही है कि वायरसेस के पास डीएनए भी हो सकता है आर भी जिन वायरसेस के पास आरएनए है वो आगे तुम्हारे रेट्रो वायरस राइट right. और उसके अलावा होस्ट मशीनरी यूज करते हैं बिल्कुल सही बॉडी के बाहर ये नॉन uh, लिविंग है बॉडी के अंदर लिविंग है पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब वायरसेस वैक्सीन बनाने में यूजफुल है बिल्कुल ओके okay? सो so, चलो अब ये बताओ व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम एमआरएनए व्हिच इज इनकोडेड बाय टू नाइन एट एट बेस पेयर ऑफ बैक्टीरियल जीन्स. क्विक वुड बी देंथ ऑफ पॉलीपेप ट्रांसलेटेड विच इज इंकूडेड बाई टू नाइन एट एट बेस पेयर ऑफ बैक्टीरियल जीन आंसर तुम्हारा सही है पर कोई एक्सप्लेन कर सकता है नहीं हम बताएंगे हो क्या रहा है वो ये रहा है ठीक है टू नाइन हमने बेसिस कोड पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है मेरी जेनेटिक्स की वीडियो चेक कर लेना, के भी भी वाई की मैराथन भी चेक कर लेना वो वालों को करेगी। तीन माने कोडोन, माने एक अमीनो एसिड तीन बेसिस का एक कोडोन होता है और वो एक अमीनो एसिड बनाता है So, इसीलिए हमने टू नाइन एट एट बाय थ्री किया सो so, टोटल कितने कोडोन्स आ गए एक कोडोन बना है तीन बेसिस से। so, हमें पता लगता है कि नाइन नाइन सिक्स कोडोन विल बी देर राइट अब यहां पे उन 996 कोडोन में से एक कोडोन था स्टॉप कोडोन उसने किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं किया तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस रुकी So, हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स आ गए नाइन नाइन फाइव क्योंकि एक कोडोन एक अमीनो एसिड बनाएगा और एक कोडोन बना है तीन बेसिस से याद है AUG इनिशिएटर कोडोन मिथियोन बनाता है क्या बनाता है मिथियोन ओके okay. बच्चे एक मेरी केवी की मैराथन सेशन है ना उसमें मैंने ये पार्ट कंप्लीट किया है तो यू कैन चेक दैट जी और दूसरा जब बात आती है स्टॉप कोडोंस की सो तुम्हारे पास क्या है ऐसे याद रखना यू यू आग अगा अग, ये तीन स्टॉप कोडोन्स है यू यू आग अगा ए अग, अग, एक स्टॉप कोडोन यूए जी दूसरा स्टॉप कोडोन ए तीसरा स्टॉप कोडोन ओके सो एक अंबर ओकर ओपल हाँ, पहले ऑकर अंबर ओपल ठीक है चले आगे कि बहुत है सो so, किस किस के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताओ किस किस के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए कोई आइडिया बताओ थोड़ा सा लेट्स इंटरक्ट क्ट yes. कितने कितने ठीक है दो ही गलत हुए तो so, बच्चे देखो तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं तुम्हारा कंसेप्ट गलत था या तुम्हें आता ही नहीं था सो so, अकॉर्डिंगली तुम लोग स्टिल इतने दिनों में भी चीजें इंप्रूव कर सकते हो पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है तुम्हारे हाथ में प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन पे फोकस करो राइट right? उस प्रिपरेशन को तुमने नहीं छोड़ना है अगर यही सोचते रहोगे एग्जाम कब पोस्टपोन होगा हो जाना चाहिए भाई कभी तो देना है कभी ना कभी तो दोगे ना गो फॉर इम ही प्रैक्टिस जितना पढ़ लिया पढ़ लिया अब रिविजन सिर्फ और सिर्फ रिविजन दैट्स ऑल और थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बताओ जरा दोस्तों की भी मदद करो थोड़ा सा राइट right? जी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कल भी करेंगे सेम टाइम पे क्लास होगी तुम्हें अपडेट्स मिलती रहेंगी और अपडेट्स के लिए तुम चैनल को लाइक like कर सकते हो शेयर और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें एक एक नोटिफिकेशन आती रहेगी ओके डन है ना मयंक सो so, यहाँ देखो सोशल मीडिया हैंडल्स तुम हमारे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो सो so, टेलीग्राम में तुम्हें सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है राइट right? सो so, जुड़े रहो और रिवीजन करते रहो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू एंड यस वी विल हैव सेशन फॉर के बीबी वाई डोंट वरी जो केबीबी वाई हैं, उनके लिए भी सेशन होगा सो थैंक यू सो मच